नमस्ते गाइस, और आज की वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं डैनियल कॉर्मियर ने क्या बोला होरे मास्विडाल के बारे में। गिल्बर्ट बर्न्स वर्सेस होरे मास्विडाल की फाइट होने वाली है 9 अप्रैल UFC 287 के कार्ड में, और ये एक को मेन इवेंट फाइट होगी। इस फाइट में आप देख सकते हो गिल्बर्ट बर्न्स एक हेवी फेवरेट है, वेयर एज होरे मास्विडाल एक मैसिव अंडरडॉग। और अब डैनियल कॉर्मियर के अकॉर्डिंग उसे लगता है होरे मास्विडाल के लिए ये एक मस्ट विन फाइट है। रिसेंटली डैनियल कॉर्मियर ने कहा कि अगर होरे मास्विडाल गिल्बर्ट बर्न्स से हार जाता है तो वो एक 4-fight losing streak पे होगा, और इसी के साथ वो टॉप 5 में से 3 फाइटर्स के साथ हार जाएगा। और ऐसे सिनेरियो से डैनियल कॉर्मियर को ऐसा नहीं लगता कि होरे मास्विडाल फिर से कमबैक कर पाएगा, गिवन दैट उसकी एज भी अब काफी ज्यादा है। डैनियल कॉर्मियर की बातों से बिल्कुल एग्री करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप होरे मास्विडाल की एज देखोगे और इस एज में कमबैक करना, गिवन दैट टॉप 5 फाइटर्स सारे ही रेसलर्स हैं, तो मास्विडाल के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग भी ये एक मस्ट विन फाइट है होरे मास्विडाल के लिए। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं बिलाल मोहम्मद ने कॉल आउट किया कोबी कविंगटन को। होरे मास्विडाल और गिल्बर्ट बर्न्स की फाइट बुक होने के बाद बिलाल मोहम्मद, कोबी कविंगटन और हमजा चिमायक, ये तीनों बचे हैं बिना फाइट्स के। काफी टाइम से बात चल रही थी और डैना व्हाइट ने भी कहा था कि UFC लुक फॉरवर्ड कर रही है कोबी कविंगटन और हमजा चिमायक की फाइट को बुक करने के लिए। पर इसके साथ बिलाल मोहम्मद ने भी काफी टाइम से कॉल आउट करना स्टार्ट कर दिया था कोबी कविंगटन को। और अब गिल्बर्ट बर्न्स और होरे मास्विडाल की फाइट बुक होने के बाद बिलाल मोहम्मद ने कहा, दिस कुड ओनली मीन वन थिंग, यानी कि बिलाल मोहम्मद अब टारगेट कर रहा है उसकी फाइट वर्सेस कोबी कविंगटन। ये फाइट भी एक काफी गुड मैचअप फाइट है, बट व्हाट अबाउट हमजा चिमायव? हमजा चिमायव की हाइप ट्रेन काफी ज्यादा हाई चली थी और फैंस देखना चाहते थे हमजा चिमायव को इस साल कम्पीट करते हुए चैंपियनशिप बेल्ट के लिए। पर UFC हमजा चिमायव की नेक्स्ट फाइट को इतना ज्यादा डिले कर रही है कि हमजा चिमायव की हाइप ट्रेन अब लो जा रही है। UFC को चाहिए कि अगर कोबी कविंगटन कोई आंसर नहीं दे रहा तो वाई नॉट मेक हमजा चिमायव वर्सेस बिलाल मोहम्मद। बिलाल मोहम्मद तो काफी टाइम से रेडी था हमजा चिमायव से फाइट करने के लिए। इनफैक्ट बिलाल मोहम्मद ने कई बार कॉल आउट भी किया था हमजा चिमायव को। कोबी कविंगटन के पास अभी सिर्फ 2 ओपोनेंट्स हैं फाइट करने के लिए, एक बिलाल मोहम्मद है और एक हमजा चिमायव। और हमजा चिमायव के लिए प्रॉब्लम्स और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी अगर कोबी कविंगटन ने डिसाइड किया कि वो फाइट करना चाहता है बिलाल मोहम्मद से। एंड टू बी ऑनेस्ट, कोबी कविंगटन के लिए एक ज्यादा इजी मैचअप है बिलाल मोहम्मद एज कम्पेयर टू हमजा चिमायव। तो UFC बहुत बड़ी गलती कर रही है हमजा चिमायव की फाइट को डिले करके, क्योंकि हमजा चिमायव एक ऐसा फाइटर है जिसके पास सारी एबिलिटीज हैं एक मेगा स्टार बनने के लिए। हमजा चिमायव का फाइटिंग स्टाइल ऐसा है कि वो डबल चैंपियन बनके लाइट हेवीवेट डिवीजन में भी जा सकता है कम्पीट करने के लिए, और ट्राई कर सकता है 3 डिवीजन चैंपियन बनने का। सो लेट्स होप हमजा चिमायव की फाइट न्यूज भी हमें जल्द से मिले। आज की नेक्स्ट फाइट न्यूज में सीरियल खान ने एक प्रोमो रिलीज किया जॉन जोन्स को लेकर, और उसके कैप्शन में लिखा हंटिंग सीजन। He's a problem for them all. From the distance, we've got an arm choke on the jiu-jitsu guy. Guys, I'm telling you, अगर जॉन जोन्स किसी भी तरह से सीरियल खान को टेक डाउन नहीं कर पाया तो जॉन जोन्स काफी ज्यादा प्रॉब्लम में हो सकता है। सीरियल खान एक ऑर्डिनरी हेवीवेट फाइटर नहीं है जिसको जॉन जोन्स डिस्टेंस मेंटेन करके पिक अपार्ट कर सकता है। ऑल्सो जॉन जोन्स हमें पहली बार दिखेगा हेवीवेट डिविजन में फाइट करता हुआ, एंड नोबडी नोज जॉन जोन्स की मूवमेंट कैसी होने वाली है। तो UFC 287 की ये मेन इवेंट फाइट काफी ज्यादा क्लोज फाइट है जिसको देखने में बहुत मजा आने वाला है। आज की नेक्स्ट फाइट न्यूज में बात करते हैं अरमान सरुकिया ने कॉल आउट किया माइकल चैंडलर को। लाइटवेट डिवीजन की रैंकिंग्स में अरमान सरुकियन 8th रैंक पर है और माइकल चैंडलर 5th रैंक पर है। इसी को कंसीडर करते हुए अरमान सरुकियन ने माइकल चैंडलर को कॉल आउट करते हुए कहा कि माइकल चैंडलर का टाइम आ गया है अपनी रैंकिंग को डिफेंड करने का। अरमान सरुकियन ने कहा कि ये फाइट होने वाली है लोएस्ट फाइट IQ इन द डिवीजन वर्सेस न्यू जनरेशन फाइटर। तो गाइस, अगर इन दोनों फाइटर्स की फाइट होती है तो कौन जीतेगा, लेट मी नो इन द कमेंट्स। आज की नेक्स्ट फाइट न्यूज में दमीर इस्लामोगुलोव ने अपनी रिटायरमेंट को डिले या फिर पोस्टपोन करते हुए
अरमान सरुकियन को फाइट के लिए कॉल आउट किया है। द मीर इस्लामोगुलोव ने कहा कि उसके मैनेजर ने उसे बताया कि उसके कॉन्ट्रैक्ट में स्टिल अभी एक फाइट बची है, इसलिए वो अपनी रिटायरमेंट को पोस्टपोन करके कॉल आउट करना चाहता है एक रीमैच फाइट विद अरमान सरुकियन। अरमान सरुकियन वर्सेस द मीर इस्लामोगुलोव की फाइट पिछले साल सितंबर में हुई थी, जिधर अरमान सरुकियन डिसीजन विन किया था। अरमान अभी लाइटवेट डिवीजन की रैंकिंग में 8th रैंक पर है, वेयर एज द मीर अभी 12th रैंक पर है, इसलिए ये फाइट नहीं होने वाली है। एंड ऑल्सो अरमान सरुकियन लुक फॉरवर्ड कर रहा है अपने से हायर रैंक फाइटर से फाइट करने के लिए। आज की नेक्स्ट फाइट न्यूज में एलेक्स परेरा और इजराइल अदेसान्या के रीमैच का प्रोमो रिलीज हुआ। इसके बाद इजराइल अदेसान्या ने भी अपने खुद का एक 100 थीम वाला प्रोमो रिलीज किया, और इसके साथ इजराइल अदेसान्या ने कैप्शन में लिखा, इस फाइट गेम में वो स्कोर कलेक्ट नहीं करता बल्कि वो स्कोर को सेटल करता है। Now comes your moment of truth. I want to play a game. You think you will walk away undested? It's not over. The games have just begun. Hey, y'all must have forgot. But trust me, you'll soon find out. So that's it for today guys. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।